देखिए, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जितनी भी मेरी 3 मीटिंग्स हुई हैं, इंटरेक्ट मीटिंग, उस पे जो मैंने इश्यूज रखे थे डेवलपमेंट के, जितने भी काम थे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, तो उस रिलेटेड मैंने मीटिंग रखी है। क्योंकि इससे पहले मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, ना मैं कहीं लाइव आई, बिजी शेड्यूल था, और उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये इश्यूज जो मैं उठा रही हूँ ये आएंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए। तो अब मुझे यकीन है कि जितने भी मैंने इश्यू बताए हैं, और मेरी बात जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हुई है, डीकम से भी हुई है, और शाहिद इकबाल सर से भी हमारी मुलाकात हुई है, जितने भी मेरे इश्यूज़ हैं, अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह विद इन डेज़ वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए एक खुशखबरी है। और मैं वही खुशखबरी अपनी पुंछ की आवाम के लिए लेके आई हूँ, और आई होप कि वो चीज़ें जल्द से जल्द हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आ जाएंगी। देखिए, जो मेरी VC हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सिर्फ चेयरपर्सन की, हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो वहाँ हर जगह मेरी जो मैं हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रही हूँ, क्योंकि हमारे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो मैं हेल्थ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। उसमें देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत शॉर्टेज है, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। उसके बाद हमारे यहाँ पुंछ में ICU नहीं है, कोविड वार्ड है लेकिन ICU वार्ड नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, जो हमारी सबसे मैं एक आपको खुशखबरी ये सुनाना चाहती हूँ, गुड न्यूज़ है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, कि हमारी बात हुई है और विद इन डेज में LG साहब ये अनाउंस कर देंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्रॉमा सेंटर के लिए, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्रॉमा सेंटर दिया जाएगा। उस पे हम मेरी चीफ सेक्रेटरी से अच्छे से बात हुई है, तो उन्होंने ये यकीन दिलाने की है कि ट्रॉमा हॉस्पिटल पुंछ को दिया जाएगा। भी प्लांट के लिए जून का इन्होंने बोला था, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में इंशाल्लाह वो भी जल्दी। अब तो कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं, हमारी पंचायत में 299 पंचायत हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो हर पंचायत में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जितने आए हैं, एक एक BDC और DDC को दिया है अपने पंचायत के लिए, वो जहाँ कोविड केयर सेंटर या PHC CHC में जहाँ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखो, वैक्सीनेशन के लिए हम सब मेंबरों ने मिलजुल कर, हमारे BDC हो या DDC मेंबर हो, पंच हो या सरपंच हो, सब मिलके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत मतलब वैक्सीनेशन वो चीज़ें हमें सामने देखने को मिल रही हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना है। उसके बाद मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ हेल्थ स्टाफ है इनके लिए, कि इनमें से अभी हमारे CMO साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है, बहुत लापरवाही है उनकी, अभी तक उन्होंने लोगों को अवेयर नहीं किया है। हम लोग तो जितना हो रहा है हमसे हम कर रहे हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ उनका है। जो भी आपने देखा होगा इस पे YouTube पे या सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है, कहीं पे वो स्टाफ जा रहे हैं, पथराव हो रहा है उन पे, और कहीं पे वो नर्स के हम ये नहीं करते वो नहीं। देखो, ये सब अगर हम इसको देते हैं कि ये सब कमी हमारे स्टाफ की है, अगर वो लोगों को समझाना चाहते हैं तो उनको समझाना चाहिए। हालांकि वीडियो नहीं वायरल करनी चाहिए, ये तो वो कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पीछे लोग हमें ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। एक दो वीडियो होंगी, अगर लोगों ने ऐसा करना तो उन्होंने पहले कैसे कैमरा ऑन कर लिया। ये सब चीज़ें जो गलत कर रही है, ये हमारा ये स्टाफ ही कर रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। CMO साहब ने इनको समझाना चाहिए और ख़ुद भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं तो यही बोल रही हूँ अपनी आवाम से कि जितना हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद ये मुगल रोड का देखिए, इससे पहले कई बार के मैं लाइव भी देखती हूँ, मैं लाइव खुद नहीं आई क्योंकि लाइव आने का हमारा ऐसे कोई मकसद नहीं है, और एक बिजी शेड्यूल है। मैं ऑफिस में रहती हूँ, यहाँ से घर जाती हूँ, पब्लिक को हैंडल करती हूँ, फैमिली है, ये वो, ये नहीं है कि लोग हाँ मैम लाइव नहीं आ रहे, इंटरव्यू नहीं दे रहे। मुझे पता है अब जितने हमारे पहले जो गुज्जर बकरवाल के लिए मुंगो रोड को खोला गया, उसमें किसी गुज्जर बकरवाल ने नहीं लाइव आके कहा कि हमारे हम डॉग जा रहे हैं, हमारे लिए मुगल रोड खोलो, ये करो वो करो,
सरकार जो स्टेप ले रही है वो स्टेप बाय स्टेप इसको खोल रही है, अच्छा कदम है उनका। उसके बाद जो ट्रैक के लिए है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ट्रैक ड्राइवर आके किसी ने ऑनलाइन या लाइव कहा हो कि हमारे ट्रैक खोले जाएं ताकि हम फ्रूट्स वेजिटेबल लाएं श्रीनगर से, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा यही है कि हमने बात की है और इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ये इंश्योर किया है, मैं अपनी आवाम को कर रही हूँ कि विद इन डेज में मुगल रोड को फुली ओपन किया जाएगा। जब हमारा ग्राफ कुछ पॉइंट अभी है 4-5, जब नीचे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा तो इसको फुली ओपन किया जाएगा। ये भी हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट और राजौरी के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ न्यूज़ आई कि इस पे आपने मुगल रोड पे डीसी साहब को लेटर दिया, हालांकि आपको एलजी को देना था, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें हमने डीसी साहब को दिया क्योंकि फर्स्ट हमारी स्टेप हमारी काउंसिल आ गई, दूसरा स्टेप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलेंगे और उनके साथ काम करेंगे, थर्ड स्टेप जाके हमारा है ये आगे हायर अथॉरिटी। और इसलिए हमने पहले सेकंड स्टेप को देखा, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी, अब हम थर्ड इस पे थर्ड स्टेप पे गए हैं और इंशाल्लाह जितने भी हमारे काम हैं वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। जितनी भी डेवलपमेंट है, रोड कनेक्टिविटी, कॉलेज, मंडी डिग्री, जो हमारा मंडी डिग्री कॉलेज है उसके लिए, डिंगला जो कैंपस यूनिवर्सिटी है, जितनी भी कैंपस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, वुमेन कॉलेज पुंछ के लिए, जितना भी है, इंशाल्लाह विद इन डेज में ये हमारी खुशखबरी आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट।